वेलकम टू द एक्सप्लोरिंग एंड टेक आर के चैनल। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा मैंने शॉर्ट क्लिप में डाला हुआ है कि मैं इंडिया से नेपाल अपने घर आया हुआ हूँ, ठीक है, घूमने के लिए आया हुआ हूँ अपने गांव। तो गांव का थोड़ा सा व्यूज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। तो गाइज, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गाँव। ये गाँव का रास्ता है, ठीक है, घर के तरफ। मैं घर जाऊंगा और पूरा ब्लॉग बना के आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा खेत है, आप देख रहे होंगे क्या क्या सीन है। गांव का है, गांव का खेत है। मैं खेत से आ रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का व्यूज, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग रहते हैं गांव के, ठीक है, वो सब हमें इज्जत करते हैं। पर इन द सिचुएशन की बात करेंगे तो लोगों ने तरक्की काफ़ी कर ली है गांव में। अपने अपने हर बंदे ने अपनी अपनी बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, अमीर बन गए सबके साथ। मतलब कि हर बंदे ने अपना अपना मतलब कि एक अच्छा घर बना रखा है यहाँ पे। बट हमारा अच्छा घर होने के बावजूद क्योंकि हमारा कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है, या तो हम किस्मत को दोष दें या तो अपने आप को दोष दें हमारी गलती की वजह से। बट हाँ, ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना कहना चाहता हूँ। ये हमारा गांव का प्रॉपर व्यू है, गांव का खेत का है। और जब मैं अपने गांव पे आता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होने लग गया है कि एक हीन भावना होता है ना, बोलते सेम फील करना हुआ आता है, क्योंकि मेरे सामने के हमारे सामने के दोस्तों ने काफ़ी तरक्की कर ली, काफ़ी आगे बढ़ गए, ठीक है। बढ़ तो नहीं गए, मतलब ठीक है, उन्होंने अपना अचीवमेंट कर ली जो भी करना था उनका। उसी से हमारा जॉब ऐसे ही था, जिस जॉब में हम पूरा ट्रस्ट करके चल रहे थे, चलो जॉब हमारे लिए कामयाब होगा, बट सब टाइम पास था। अभी भी वही जॉब कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कुछ नया वक्त का। अगर आप लोग का प्यार ऐसे ही रहेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारा घर काफ़ी अच्छा था पहले, ठीक था, 4x4 काफ़ी बड़ा था। बट अभी मम्मी पापा भी नेपाल पे रहते हैं तो थोड़ा कर्ज लग गया था, हमारा कर्ज की वजह से हमने घर को बेचना पड़ा इतने। ये देखो, ये हमारे घर के सामने का फैक्ट्री है, कंपनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ हो सकता है। गेस करिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ लालपुर, मैं आपको उसका व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रोक के दिखा रहा हूँ। लो जी, कमाल देखो, ये है हमारा स्कूल, जिस स्कूल में हम पढ़े थे पहले से काफ़ी मतलब कि सुधार हो चुका है स्कूल का। ये हमारा स्कूल है जिसमें हमने 8वीं क्लास तक का यू नो स्टडी कम्प्लीट किया था, 8वीं क्लास तक का, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद यहाँ से कंपनी दिख रही है, शुरू में कंपनी का ये बैक साइड जो कंपनी है हमारे घर के सामने, यहाँ पे इसका काम हुआ था। बट उसके बाद इन्होंने फ्रंट में दूसरी ऑफिस भी, काफ़ी बड़ी कंपनी सामने भी खोल दिया इन्होंने। तो ये डेवलपमेंट है गांव की। अभी आपको मैंने रस्ते से लेके नहीं गया, रस्ते से लेके जाता तो पक्का आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता। खेत से लेके आने का रीजन ये है कि खेत का घी नज़ारा आपको दिखाया जाए, ठीक है, होप कि आपको पसंद आया हो। तो मेरा घर दिखाता हूँ, जो मेरा घर है पहले वाला घर जो हमने बेच दिया है, ठीक है, ये वाला जो था हमारा घर था, ठीक है, थोड़ा सा काम पेंडिंग था इसमें, बट इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, घर का डेकोरेशन ही चेंज कर दिया है, क्या बात है। सामने देखो घर कितने बड़े बड़े हैं, सारे लोगों ने तरक्की कर ली है दोस्तों। हम भी कुछ नया तो करेंगे ही करेंगे, बट बस ये है कि आप लोग का प्यार होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ मिनट में देखता रहा मम्मी को, जब मम्मी ने मुझे देखा, जब मैंने उनको बुलाया तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, आप देख सकते हो। और जैसे वो शॉक्ड हो गए, मैंने इस क्लिप को डालना इम्पोर्टेंट समझा तो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि मैं कल से लेके इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था, तो मैंने असिस्ट किया उन्होंने और आगे कंटिन्यू करता रहा। मैं भी काम करने लग गया था फिर साथ साथ में। चलो, अब मम्मी ने बहुत मेहनत कर लिया, अब मुझे करना है मेहनत, ठीक है, देखते हैं। गोइर भी नगर आए, गोइर उसे लाया था, बेसार उसे ला।
तेरो खुट्टा पनि कति कहाँ सेला छ, अर्को ऊ त्यो अल्लु उतापट्टि हेर माटल पुर्या छ त्यति हो त्यति र त्यो माटल झन् पुर्यो हो त्यति छ क्या यता 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 ऊ ऊ ऊ भिडियो गराइदिनु भन्छ क्या और यहाँ पे हमारा क्या है, घर बनने वाला है। सामने जो नलका दिख रहा होगा ना आपको, वहाँ पे हमारा घर बनने वाला है। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसके लिए, अभी 2-4 दिन और लगेंगे स्टार्ट होने में काम। तो जैसे घर का काम स्टार्ट हो जाएगा वैसे मैं वापस हो जाऊँगा वापस। कि और दूसरी चीज़ यार, रास्ते का सफ़र था जो, वो सफ़र काफ़ी ख़राब रहा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम। मतलब कि आप मानो यार, शाम का 7 बजे निकले थे हम, बट नेक्स्ट डे हमें शाम को 8 बजे के करीब गाड़ी वाला ने बहुत लेट पहुंचा दिया। और बहुत बुरा लगा क्योंकि यार ऐसे ठगी चारी भी करते हैं लोग यार, गलत तरीके से मतलब कि लोगों को पहुंचाते हैं। बहुत लोग थे जो बहुत दूर जाना था उन्होंने, बट उनको फंसा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, उन सब के लिए सजेशन है, अगर नेपाल टू इंडिया टू नेपाल ट्रैवल अगर करा रहे लोग तो यार ये चीज़ ना करें, ठीक है। रास्ते का सफ़र बड़ा गंदा था, बट हम पहुँच गए अपने गाँव। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू, ये बैक साइड का व्यूज है, ठीक है, व्यू है। बाकी देखो वो सामने जो दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये मेरा स्कूल था, ठीक है। 2008-09 की बात है जब मैं यहाँ पे पढ़ता था। ये हमारा गांव का है। और इसके बाद जो रास्ता है स्कूल की तरफ जाता है, और बाकी रहा ऊपर का जो दिख रहा होगा आपको व्यू, ये जंगल के साइड का है, जंगल है वहाँ पे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो जगह क्या है कि अभी हमने ज़मीन लिया है तो वहाँ पे दूसरा घर बन रहा है, तो वहाँ का है, ठीक है। तो वहाँ का जो घर बन रहा है वहाँ का वीडियो है, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बाद में दिखाऊँगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना ही था आज का दिन का पूरा दिनचर्या, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।